नमस्कार किसान साथियों, F2DF मोबाइल ऐप और F2DF वेबसाइट आज हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई है। देखिए किसान साथियों, अभी सर्दी का समय है और सर्दी के समय में ना जो अक्सर समस्या होती है पशुओं को, वो होती है अफारे की। अब एक चीज़ आप देखिएगा कि अफारे की समस्या सर्दियों के समय में ज़्यादा क्यों होती है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि पशुओं की जो पाचन क्रिया है ना, वो धीमी पड़ जाती है। उस वजह से पशु जो अनाज खाते हैं, तब वो अनाज जो पचता है उसमें समय लगता है, तब पशुओं को अफारे की समस्या आम बात होती है। अब एक चीज देखिए, सबसे पहले अफारा जो है ना, वो जानलेवा भी हो सकता है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ा कारण क्या है पशु जिसको अफारा होता है। सबसे पहली चीज, पशु अगर ज़्यादा गुड़ खा ले या फिर पशु कच्चा अनाज ज़्यादा खा ले, तब वो कच्चा अनाज जो है पशु उसे हजम नहीं कर पाता, और हजम न कर पाने की वजह से पशु के अंदर ना गैस बन जाती है, गैस्ट्रिक बन जाता है, अफारा की समस्या तब पैदा हो जाती है। तो किसान साथियों, अफारे की समस्या तो आम बात है, लेकिन अफारा जानलेवा भी हो सकता है। अब ऐसे में आपको ये देखना पड़ेगा कि कब वो जानलेवा हो सकता है, जब आपको पशु का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पशुओं की जो कोख होती है दोनों तरफ, वो लेफ्ट और राइट साइड में, वो दोनों की तरफ कहीं ना कहीं अंदर पिचकी होती है। जब वो बाहर की तरफ पूरा दिखे और आपको बिल्कुल ड्रम साइज दिखेगा पशु का, क्योंकि पशु को जो अफारा है वो लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है, राइट हैंड साइड में भी हो सकता है, और दोनों तरफ भी हो सकता है। तब ऐसे में आपको, जब अगर पशु का अफारा दोनों तरफ हो, तब उस वक्त आपको सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जब गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, जब अफारे की प्रॉब्लम होती है, दोनों साइड अगर प्रॉब्लम हो, तब उसका दबाव पशु के दिल और उसके फेफड़ों में पड़ता है। तब ऐसे में पशु जो है वो सांस लेने में उसे कठिनाई होती है, ऑक्सीजन का लेवल जो है उसके पशु के शरीर के अंदर वो कम होता है, और दूसरी बात, पशु का दिल जो है उसकी धड़कन भी कम हो जाती है। ऐसे में ये समस्या पशु के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या उपचार करना चाहिए आपको, उसके बारे में आपको सबसे पहले ये जरूर ध्यान रखें कि पशु का जो अगला हिस्सा है उसे ऊंचाई पर खड़ा करें, मतलब पशु का जो खड़े होने की जगह है उसको इस तरह से व्यवस्थित कीजिए कम से कम कि पशु के अगले पैर थोड़े ऊंचाई पर हों, ताकि दबाव जो है वो छाती पे ना पड़े, पीछे वाले हिस्से पे थोड़ा ज़्यादा दबाव पड़े। उससे क्या होगा कि पशु सांस लेना आसान होगा पशु के लिए, उसका दिल की धड़कन है वो धीमी नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जब आपको पता चले कि पशु को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो चुकी है, अफारे की प्रॉब्लम हो चुकी है, उस वक्त पशु को आपको तेल देना चाहिए। कोई भी आप वनस्पति तेल दे सकते हैं, कोई भी तेल, चाहे आप तिल का तेल दें, चाहे आप सरसों का तेल दें, चाहे आप अलसी का तेल दें, कोई भी वनस्पति तेल दीजिएगा, कि वनस्पति तेल जो है वो पशु के शरीर के अंदर जो है गैस उसको ठंडा करता है, उसको कम कर देता है, उसका दबाव कम करता है, उसके बाद जो पशु का हाजमा है उसको भी ठीक करता है। अब अगर पशु ने वो हजम नहीं किया है, तब उसको मल के द्वारा बाहर निकाल देता है। अब एक चीज़ आप देखनी पड़ेगी कि या तो आप सरसों का तेल, कोई भी तेल, वनस्पति तेल दीजिएगा 300 मिलीलीटर, या फिर उसके बाद आप दूसरा तरीका अपना सकते हो, 50 ग्राम जीरा लेना है, 10 ग्राम आपको अजवाइन लेनी है, उसके बाद 50 ग्राम आपको काला नमक लेना है, इन तीनों को बारीक पीस के, बारीक कूट के, उसके बाद 150 मिलीलीटर वनस्पति तेल में मिला करके अपने पशु को दे दीजिएगा, अफारे की समस्या उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। या फिर आप एक और उपचार कर सकते हो, जो पशु की लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आप पंचर कर सकते हो। अगर जो गैस की समस्या बहुत ज़्यादा आपको ये दिख रहा है कि पशु का बिल्कुल पेट का साइज है बिल्कुल ड्रम जैसा हो चुका है, तब आप पशु के लेफ्ट हैंड साइड में, जब हम पशु को सुवा लगाते हैं ना, उस पतली सी सुई के साथ आप उसे पंचर कर सकते हैं। सुई, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सुई बिल्कुल साफ़ हो, बिल्कुल नई हो। उसमें आप अगर आप उससे पंचर करेंगे तो उसकी गैस जो है वो एकदम बिल्कुल बाहर निकल जाएगी, पशु को प्रॉब्लम नहीं होगी और समस्या भी नहीं होगी, और पशु बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तब इसका उपचार आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पशु को ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कई बार पशु कच्चा अनाज खा लेता है ना, तो उस वजह से उसे पाचन न करने की वजह से पशु को गैस्ट्रिक की अफारी प्रॉब्लम होती है, और ये कई बार हमने देखा है कि जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पशु को प्रॉब्लम पहले ना हो, अगर हो तो उसका जल्दी उपचार किया जा सके। अब एक चीज देखिए किसान साथियों, आप हमसे जुड़े हुए हैं इसलिए हम आपको ये जानकारी साझा कर रहे हैं कि हमारी मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट आपको तरह तरह के पशुओं की जो बीमारियां होती है उसके बारे में समय समय पर जानकारी देती रहती है। हमारी ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप तरह तरह की जानकारी ले सकते हो, आप पशुओं की सारी समस्या है उनकी जानकारी ले सकते हो, आप फसलों की समस्या जो है उनकी जानकारी ले सकते हो, तरह तरह की आधुनिक खेती है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई भी पैसा खर्च किए आप ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहिएगा, हमें ऐसे प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।